क्योंकि उसका जो स्पेयर बिल है भाई इतना से दे दिया, इतना मोटरसाइकिल इतना टाइप सी 12 वोल्ट और यूएसबी ए। अभी आप कह रहे हो स्टील व्हील कैसे भाई, ये तो अलॉय पड़े हैं। कार की दुनिया में इंडिया में अब कंपनी भी समझ गई है कि भाई कस्टमर्स को एसयूवी चाहिए और बजट रेंज में भी चाहिए। यदि आप भी अपने लिए 10 लाख के बजट में एक बेस्ट एसयूवी सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अभी अपने साथ में है किया सोनेट और ये इसका एसटीके वेरिएंट है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमें सेगमेंट में और किसी कार में नहीं मिलती हैं। तो भाई ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप की पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के कलर की। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली सोनेट जो है ब्लैक और वाइट में ज़्यादा पसंद आती है। कंपनी इस कार के साथ में दो चाबियां ऑफर करती है, ये देखिएगा। इधर ये किया की ब्रांडिंग है, लॉक अनलॉक एंड इसके बूट को ओपन करने के लिए फ्लिप की ऑफर की गई है। अच्छी बात यह है कि दोनों में ही हमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम वाला जो रिमोट है वो मिल जाता है। ये देखना, लॉक एक बार, अनलॉक दो बार और ये इसके बूट को ओपन करने के लिए। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसकी लेंथ है 3995 mm की, विड्थ है 1790 mm की, हाइट है 1642 mm की। इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm का मिल जाता है और इसका व्हील बेस है 2500 mm का। फ्रंट से प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी है, सेंटर में किया का लोगो मिल जाता है जो कि बोनट पर दिया गया है, लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है बोनट, ये देखिएगा। बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है, साइड में एजेस मिलते हैं जिसकी वजह से इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा निखर के और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक आ रहा है। टाइगर नोज पैटर्न में फ्रंट में ग्रिल दी गई है, इधर ये पियानो ब्लैक एंड इधर ये देखिए ग्रे गार्निश दी गई है। इधर ये दो बैंड इधर दिए गए हैं, बाकी के यहाँ पर सभी कुछ इसको कवर किया गया है। हेडलाइट की अगर बात की जाए, यहाँ पर ये देखिएगा हैलोजन बल्ब के साथ में पूरा का पूरा सेटअप दिया गया है एंड पार्किंग सेंसर इसमें दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 फ्रंट में। ये रेडिएटर ग्रिल, फ्रंट स्किड प्लेट, बम्पर कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। इस वाले वेरिएंट में ये देखो फेंडर पर साइड टर्न इंडिकेटर मिलता है, ओआरबीएम पर नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरबीएम मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी ने मैकपर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगा कर दिए हैं। 16 इंचेस के स्टील व्हील ऑफर किए गए हैं। अभी आप कह रहे हो स्टील व्हील कैसे भाई, ये तो अलॉय पड़े हैं। अलॉय नहीं है भैया, इसका कवर कंपनी ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है और स्टील व्हील को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमें यहाँ पर अलॉय व्हील की कोई कमी फील नहीं होती है। ये देखिएगा MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के वंडर सीरीज़ के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं और प्रोफाइल है 215/60R16, ठीक है। और फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है, सेंटर में किया की ब्रांडिंग है और इसके कवर को नट से ही कसा गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डोर हैंडल ये बॉडी कलर में है, डोर क्लैडिंग इधर ये रफ वाला ब्लैक मिल जाता है, ग्लास का पैटर्न इसका कुछ ऐसा है। इधर ये देखिएगा रूफ रेल्स और इसमें कोई भी सनरूफ नहीं मिलती है जो कि हमें इसके ऑप्शनल वाले वेरिएंट में मिल जाती है एसटीके ऑप्शनल में, ठीक है। ये रहा साथ में एंटीना, क्वार्टर ग्लास बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पर ये देखिएगा लेफ्ट साइड में फ्यूल लिड दिया गया है और इसमें 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन के। रियर में कंपनी ने कपल्ड टॉर्सन बीम एक्सल CTBA विथ कॉयल स्प्रिंग लगा कर दिए हैं एंड रियर में भी सेम प्रोफाइल है, टायर वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस हमें मिल जाता है भाई, रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है जबकि फ्रंट में डिस्क मिलता है, रियर में ड्रम मिलता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के एजेस हैं। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, हाई माउंटेड, यहाँ पर ये स्टॉप लैम्प दिया गया है, ये छोटा सा स्पॉयलर दिया गया है एंड यदि आप UP इटावा से हैं या फिर आसपास से हैं तो आप वीरेंद्र किया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है और इनका एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर है, पक्का बाग इटावा। रियर विंडशील्ड पर कोई भी वाइपर नहीं है, कोई भी डिफॉगर नहीं है, सेंटर में किया की ब्रांडिंग है एंड इस वाले वेरिएंट में आई थिंक कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है। साइड टर्न इंडिकेटर एंड जो टेल लाइट है वो हैलोजन बल्ब का ही यहाँ पर सेटअप दिया गया है। सेंटर में किया की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड में सोनेट एंड यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर, 1, 2 पार्किंग सेंसर एंड ये देखिएगा
रियर बम्पर, स्किड प्लेट एंड यहाँ पर ये रिवर्स लाइट, एक कैमरा इधर ये प्लेस किया गया है। आओ चलो इसका इंटीरियर देख लेते हैं। फुल ब्लैक हमें इसमें इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पर ये सिल्वर कार्नेस, यहाँ पर ये देखिए सभी कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल, यहाँ पर ये ट्विटर, यहाँ पर ये स्पीकर दिया गया है, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है एंड ड्राइवर साइड से इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। ड्राइवर वाली जो सीट है वो हाइट एडजस्ट के साथ में है, ये देखिएगा इस वाली वेरिएंट में हमें मिल जाती है, ठीक है। एंड रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसके फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए, इधर ये ABC पैडल्स, इधर ये बोनेट ओपन करने के लिए, इधर ये ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये थ्री लेवल हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए, ये एसी वेंट। स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ जिस तरीके का है, सेंटर में किया की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल, राइट साइड में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेटअप दिया गया है। लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल लीवर, राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर दिया गया है, इग्निशन को इधर ये राइट साइड में दिया गया है, चाबी लग जाती है इसमें, कोई भी पुश स्टार्ट बटन इसमें नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड ये देखिएगा डोर कुछ इस तरीके का है, इधर ये ग्रैब हैंडल, सनशेड, इधर ये वैनिटी मिरर, ये देखिएगा इधर ये येलो वाली लाइट एंड ये सनग्लास होल्डर। मुझे किया कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी इसमें दी जाती है। ये सनशेड, टिकट होल्डर, ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इग्निशन को ऑन करता हूँ, इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है ये देखिएगा, एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर है, राइट साइड में ये देखिएगा टेम्परेचर, फ्यूल गेज, सेंटर में डिजिटल इसमें स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड डोर वगैरह जो ओपन होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसमें ओपनिंग दी गई है और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिएगा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें इसमें मिल जाती हैं, यूरिया लेवल वगैरह अपन इसमें देख सकते हैं, ये देखिए। एंड ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, हॉल मेनूज, यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। यार इसको मैंने चलाया तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील हुआ एंड यहाँ पर सभी बटन्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉपर यहाँ पर नॉब दिए गए हैं, दो एसी वेंट इधर ये दिए गए हैं, ये देखिएगा पूरा भरा भरा सेटअप लगता है। एंड इधर ये ग्लव बॉक्स, इधर ये देखो एसी यूनिट, फैन, इधर ये देखिएगा एसी, इधर ये फ़ोन ऑन रखने के लिए स्पेस, इधर ये किया कि मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, टाइप सी, 12 वोल्ट और USB A, भाई सभी पोर्ट आगे दे देते हैं। और ये देखो 12 वोल्ट का जो पोर्ट है 180 वॉट का है, और इधर ये फ़ोन ऑन रखने के लिए स्पेस, ये देखो गियर लीवर दिया गया है, 6 गियर मिलते हैं इसमें, ये इसका हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर, यहाँ पर ये आर्मरेस्ट दिया गया है और इसके अंदर भी ठीक ठाक स्पेस है। और भाई इसकी सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, फैब्रिक सीट दी गई है, हेडरेस्ट इसमें एडजस्टेबल दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब भाई मुझसे पूछ लो कि मैं आकर इसमें बैठा हूँ तो मुझे कैसा लग रहा है, मन में तो आया होगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैं इसके अंदर आकर बैठा तो भाई इसमें जो ड्राइवर वाली सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आती है, तो जिस किसी की भी हाइट कम है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सीट को ऊपर कर लीजिए, आराम से बोनट दिखेगा और इसका केबिन जो है काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। हालांकि डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, तो थोड़ा सा स्पेस हमें देखने में कम लगता है। अगर वही लाइट कलर होता, कोई क्रीम कलर होता या फिर वाइट कलर होता या फिर कोई भी लाइट कलर होता तो थोड़ा सा हमें केबिन जो है ज़्यादा बड़ा लगता। बाकी की चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त इसमें दी गई हैं। फ्रंट रो मैंने आपको दिखा दी है, आइए बाहर निकलते हैं जल्दी, इसकी सेकंड रो में देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है। ये सेकंड रो डोर इंटीरियर कुछ जिस तरीके का है। एक चीज़ मुझे किया कि काफ़ी अच्छी लगती है, ये देखिएगा जो सनशेड है इनका वो कंपनी फिटेड ही देते हैं। ये रहा इसका इंटीरियर, भाई इसकी सीट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मुझे लग रही है। अंदर बैठता हूँ, ड्राइवर वाली जो सीट है पूरी की पूरी पीछे है एंड ये देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त हमें इसमें लेग रूम मिल जाता है। इधर ये 2 AC वेंट्स, यहाँ पर नीचे देखो
दो USB C पोर्ट दिए गए हैं, फ़ोन रखने के लिए स्पेस दिया गया है। एंड इंटीरियर, इधर ये ग्रैब हैंडल, ठीक है, इधर ये ग्रैब हैंडल कोट हुक, इधर ये येलो वाली लाइट, ये रहा इसका केबिन, फ्रंट रो डैशबोर्ड, पीछे से देखो भाई। लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि इसमें हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं है, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, 3 सीट बेल्ट दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और कुछ इतना स्पेस इसमें मिल जाता है, कोई भी पार्सल ट्रे इसमें नहीं लगी हुई है। तो भाई पीछे मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ भी कम्फर्ट फील हो रहा है। चलिए टेल गेट ओपन करते हैं। टेल गेट ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पर ये बटन दिया गया है, कहाँ गया, ये रहा, और हाथ से हमें ओपन करना होगा। बाकी का हाइड्रोलिक सिस्टम है, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसमें 385 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, एंड बूट में कोई भी लाइट नहीं मिलती है। यहाँ पर ये देखिएगा हुक दिया गया है, लेकिन पार्सल ट्रे इसमें लगा तो सकते हैं लेकिन इसमें नहीं लगी हुई है, आई थिंक ये एसरीज का पार्ट होगा। एंड इसमें स्पेयर व्हील यहाँ पर ये दिया गया है, एंड इसका साइज है 195/65 R15। अब एक चीज़ आप मुझे ये बताओ, आप इसको सेलेक्ट करोगे या फिर जो महिंद्रा की 3XO है उसको, क्योंकि उसका जो स्पेयर व्हील है भाई इतना से दे दिया, इतना मोटरसाइकिल इतना, मैं तो देख के दंग रह गया भाई, मैंने तो स्कैम जैसी वीडियो बना दी उसकी। तो भाई मैंने वो बात ठीक है, चलो बूट स्पेस बढ़ाने के लिए किया गया है, इंजन के बारे में पता लगाते हैं, उसके लिए हमें इसका ये फ्रंट का बोनट ओपन करना होगा। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, ये रहा इसका दमदार इंजन जो कि 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, CIDI 16V 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन है। इसकी डिस्प्लेसमेंट है 1493 cc, BS6 फेस्ट वाला इंजन है। इसकी मैक्सिमम पावर है 114 bhp की 4000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 250 Nm का 1500 rpm से लेकर 2750 rpm तक। भाई ज़बरदस्त इसमें पावरफुल इंजन लगा कर दिया है, एंड आई थिंक इसमें एमरॉन की बैटरी ऑफर की गई है, एंड जो इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर कंपनी ने ऊपर की तरफ रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिएगा, बाई चांस अगर ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है पानी का तो ज़्यादा नुकसान वगैरह जो है गाड़ी को नहीं आया है। कंपनी ने यहाँ पर कस्टमर को देखते हुए और सेफ्टी को देखते हुए ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी करके इसमें दी है, काफ़ी अच्छी इंस्टॉलेशन है, ये देखिएगा। तो भाई फाइनली मैंने आपको इस कार के बारे में सब कुछ बता दिया है, आइए बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। किया कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल की और अनलिमिटेड किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई पेट्रोल में ये जो है लगभग 17 के आसपास का निकाल कर दे देगी, तो भाई डीजल में ये लगभग 20 के आसपास आराम से निकाल कर दे देगी। डिपेंड करता है कार कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। कभी चलाने का मौका मिलेगा, टाइम आएगा तो मैं आपके लिए इसका माइलेज टेस्ट भी करके आपको बताऊंगा और ड्राइव रिव्यू भी आपके साथ में शेयर करूंगा। बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, ये पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है, ऑटोमेटिक में भी आती है, मैनुअल में भी आती है, तो जिसका जैसा बजट वो वैसा फीचर ले सकता है सोनेट के साथ में, ठीक है। इसकी एक्सोरूम स्टार्टिंग हो जाती है 7,99,000 रुपये से, और जो मैंने अभी आपको STK वेरिएंट दिखाया है इसकी एक्सोरूम प्राइस है 10,50,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये आपको लगभग 12,10,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके बोल रहा फाड़ यही मानिएगा, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 5-10,000 रुपये लेकर चल सकते हो। प्रोज एंड कॉन की अगर बात की जाए तो भाई मुझे इसमें सारी चीज़ें तो प्रोज में ही लगी हैं, कॉन मुझे इसमें कुछ भी ऐसे खास नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से इसको अवॉइड किया जा सके। हालांकि इसमें रियर में भी डिस्क होता तो और भी मज़े आते भाई। 3XO में बेस वेरिएंट से हमें महिंद्रा की 3XO में बेस वेरिएंट से चारों डिस्क मिल रहे हैं, वो मुझे थोड़ी सी कमी जो है इसमें खली है। इस कार से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप सोनेट को सेलेक्ट करोगे या फिर XUV 3XO को सिलेक्ट करोगे? तो दोस्तों बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड अभी पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियो, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।